हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज हमजा हसनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर चैनल टारगेट विद आलोक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए इंग्लिश, ठीक है। तो ये टीजीटी और पीजीटी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कई दिनों से कह रहे थे कि सर एक बैच स्टार्ट करिए टीजीटी पीजीटी का और उसमें हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने ये प्लान किया कि नहीं भाई टीजीटी पीजीटी भी शुरू की जाए। अच्छा, टीजीटी पीजीटी के लिए पहले मैं बता दूं कि ये इतना आसान नहीं होता है रन करना। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं चला रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, लेकिन एक्चुअली टीजीटी पीजीटी को पढ़ा लेना बहुत आसान काम नहीं है। इट्स अ डिफिकल्ट जॉब एंड इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क, राइट। बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। और टीजीटी पीजीटी में अगर सिर्फ टीजीटी की बात करें तो कोर्स बहुत लेंदी नहीं होता है, कवर हो जाएगा, लेकिन पीजीटी को लेकर के काफ़ी कुछ हमें जानना और पढ़ना पड़ता है, स्पेशली लिटरेचर में। लैंग्वेज पार्ट तो कॉमन हो जाता है भाई, लैंग्वेज पार्ट तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ग्रामर तो करना ही करना है, लेकिन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा टफ है कि उसे पढ़ाया ही नहीं जा सकता, ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स के लिए ही है, राइट। अब ये बात करूंगा कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो क्या खास बात होगी, क्या विशेष बात होगी मेरे पढ़ाने में और दूसरों के पढ़ाने में। भाई सभी लोग पढ़ा रहे हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत से लोग को कम अच्छा पढ़ाते हैं। अब ये इस पर भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स को किनकी बात ज्यादा समझ में आती है, राइट। दूसरों के पढ़ाने से और मेरे पढ़ाने में एक बड़ा डिफरेंस ये होगा कि मेरी जो समझाने का तरीका होगा, मैं जिस वे में आप लोगों को बताऊंगा वो मैं इतना इजी कर दूंगा कि आपको चीजें एक बार में मैं कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि जनरली किसी भी चीज की जब आप डेफिनेशन देखने जाएंगे कहीं पर भी, तो आप देखेंगे कि क्योंकि इंग्लिश में लिखी होती है डेफिनेशन, अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हिंदी में तो होगी नहीं डेफिनेशन, तो इंग्लिश में लिखी होती है, बहुत हार्ड वर्ड यूज किए होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सेंटेंसेस से बनाया होता है डेफिनेशन को, तो कई बार समझ में नहीं आ पाती है, या आती भी है तो पूरी तरह नहीं, थोड़ा आ गया थोड़ा नहीं आया, ऐसा हो जाता है। पर मेरी टीचिंग की जो स्पेशलिटी होगी वो ये होगी कि मैं हर एक बात को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स को यूज करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एकदम बिगिनिंग से हम एकदम शुरू से चलेंगे, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे और हर एक पॉइंट पर स्टेबल होकर के स्टडी करेंगे। किसी भी पॉइंट को ये नहीं कि बस आया और चला गया, वो आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इस गोल को बना करके हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लिया जाए कि ये जो एग्जाम होना है ये कैसे होना है, क्या होना है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु फिल्ड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल फेस द एग्जाम। सबसे पहले तो जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया है सिर्फ वो ही जाएंगे, ठीक है। ये कोई नहीं सोचेगा कि लास्ट मोमेंट पर हम देखेंगे, लास्ट मोमेंट जब आएगा हो सकता है एप्लीकेशन की डेट निकल जाए, है ना। तो उसके लिए सबको अवेयर रहना होगा। इसके बाद द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए यहां पर डिक्लेयर्ड होना चाहिए, टाइपिंग एरर कहीं कहीं हो जाता है, ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीएसई एसएसबी। ये सब चीजें आप जानते भी हैं, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेना इसलिए जरूरी होता है कि बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, तो हम तो सबको लेकर के चलेंगे ना। तो डेट जो है एग्जामिनेशन की वो आपके यूपीएससी एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर की जाएगी कि कब एग्जाम होना है, ठीक है। ओके, मोर डिटेल्स अबाउट एग्जाम एंड सेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस इज एज फॉलोस। आगे देखते हैं हम और डिटेल हमें मिलेगी। तो और डिटेल में देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर रिटन एग्जाम सेंटर्स भी ले लिया है ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपका सेंटर कहां जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप माइंड सेट रखें। तो सेंटर आपका आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी एंड फैजाबाद, ये आपके सेंटर्स होते हैं। ये बहुत समझने वाली चीज नहीं, बस नॉलेज में रखने वाली चीज है। फिर उसके बाद देखिए, सेलेक्शन प्रोसीजर को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सेलेक्शन प्रोसीजर में अक्सर लोग गलती कर देते हैं अगर नहीं समझ पाते हैं। तो यहां देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया सेलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम, इंटरव्यू एंड स्पेशल क्वालिफिकेशन बेसिस। तीन चीजों को ये फोकस करते हैं। पहले नंबर पे क्या है, रिटन एग्जाम, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, इंटरव्यू। और तीसरे नंबर पर है स्पेशल क्वालिफिकेशन।
तो आपको रिटन, इंटरव्यू और स्पेशल क्वालिफिकेशन तीनों को देखना है, माइंड में रखना है, ठीक है। डिटेल में आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स गिवन हियर अंडर, कैसे मार्क्स मिलेगा। 85% मार्क्स जो है आपका वो पूरा का पूरा रिटन एग्जाम पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रिटन एग्जाम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, आगे बताऊंगा। तो रिटन में आपको 85% मार्क्स आपका रिटन में, और आपको बता दूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो ये पूरा का पूरा 85% मार्क्स गेन किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसी हार्डशिप नहीं है कि आप ये सोच लें कि 85% है तो ये 85% अचीवेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अचीवेबल है। एंड अगर किसी ने बढ़िया से तैयारी की है द वन कैन अचीव इट, राइट। सेकेंड है इंटरव्यू, 10% मार्क्स का होता है। इंटरव्यू के लिए जो गाइडलाइंस होती है वो मैं आपको दूंगा, बिल्कुल मैं बताऊंगा कि वहां पर इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे करना है, रिटेन की तैयारी कराने के बाद ऑब्वियसली, ठीक है। 10% इंटरव्यू का है। उसके बाद स्पेशल क्वालिफिकेशन का 5% मार्क्स होता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है क्या क्वालिफिकेशन से, जैसे फॉर पीएचडी फील्ड अगर कोई है तो पीएचडी या डीफिल डिग्री के लिए उसे 2% मार्क्स मिलता है, एमएड डिग्री के लिए 2% मिलता है और बीएड डिग्री के लिए 1%। तो ये आपका 5% मार्क स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिटन एग्जाम। हमें तैयारी किसकी करनी है सबसे पहले, रिटन एग्जाम की, ठीक है भाई। ऑब्वियसली डिग्री की तैयारी तो कर नहीं सकते, जो जिसके पास होगी वो वही प्रेजेंट करेगा, ओके। अब देखिए पैटर्न ऑफ रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहली बात मैं बता चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जब आपके पास आते हैं तो आपका बहुत बेनिफिट भी होता है और एक तरह से कंपटीशन टफ भी हो जाता है। बेनिफिट इसलिए होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब यह है कि आपका जितना मार्क्स है वो अचीवेबल है, यानी अगर आपने सारे क्वेश्चन सही कर दिए तो टोटल जो आपका 85% मार्क्स है वो आपको मिल सकता है ना। रिटन में क्या होता है कि हम कुछ लिख रहे हैं अगर, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन अगर हमारे एग्जामिनर को कम अच्छा लगता है तो वो मार्क्स काट सकते हैं, या ग्रामेटिकल एरर रिटन में है तो वो काट सकते हैं मार्क्स। लेकिन यहां आपको अगर आता है आप क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे हैं तो पूरे मार्क्स अचीवेबल है। कंपटीशन टफ क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां कई बार ऐसे भी लोग बैठते हैं जो कुछ क्वेश्चन ज्यादातर तो अपने हिसाब से कर लेते हैं और बाकी अपने मन से भी लगा देते हैं, और कई बार सही भी हो जाता है, कई बार गलत भी होता है, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा टफ भी हो जाता है, पर ऑब्वियसली क्वालिफाई वही कर पाता है जिसने पढ़ करके, तैयारी करके सही से ऑब्जेक्ट्स मतलब अपने ऑप्शंस को चुने हैं, ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं एग्जाम ड्यूरेशन क्या होगी, 2 आवर होगी फॉर ईच क्वेश्चन पेपर। ईच क्वेश्चन पेपर का मतलब समझ जाइए कि आपको 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। ऑब्वियसली इंग्लिश में 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में क्या है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दोनों आपको तैयार करना है, ठीक है। तो 2 आवर्स जो होगा, अब उसके बारे में और डिस्कस करते हैं तो हम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 घंटा तो हमें मिलेगा दोनों पेपर के लिए, लैंग्वेज के लिए भी और लिटरेचर के लिए भी। लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, देखिए एग्जाम सिलेबस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, मैं यहां पर सिलेबस को कंपेयर करा दे रहा हूं, ठीक है। टीजीटी और पीजीटी को कंपेयर क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बैच एक ही साथ चलना है, एक साथ चलना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है, ठीक है, दोनों में क्या चीज है जो पीजीटी में एक्स्ट्रा है, टीजीटी में नहीं है, तो ये क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। और पहले तो हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो चीजें कॉमन है। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहली चीज, टीजीटी में अनसीन पैसेज आएगा फॉर कंप्रीहेंशन, पीजीटी में भी आएगा, तो ये तो यहां पर कॉमन हो गया। हां थोड़ा सा लेवल अप एंड डाउन हो सकता है पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हमें अच्छी तरह से पता है कि कंप्रिहेंशन का मतलब ही होता है किसी चीज को कंप्रिहेंड करने का प्रोसेस, यानी समझने का प्रोसेस। अगर हम किसी पैसेज को जो कि अनसीन है, हमारा पहले का देखा हुआ नहीं है, यानी ये हमारी बुक से नहीं आएगा, हमारे किसी ड्रामा से नहीं आएगा, हमारे किसी प्रोज से नहीं आएगा, ये आएगा कहीं नई जगह से, कोई नया प्रोज हो सकता है ये, ठीक है। तो हमें
हमने पहले से नहीं देखा होगा, तो ये पैसेज आएगा यहां भी यहां भी, और हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, उसी पर क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि आपकी एक हैबिट होनी चाहिए, किसकी, रीडिंग की। अगर आपके अंदर रीडिंग की हैबिट है, अच्छा ये हैबिट का मतलब ये नहीं है कि हमने हफ्ते में एक बार पढ़ लिया कुछ तो पढ़ लिया, या ये भी नहीं है कि कभी कभी लगातार एक महीना पढ़ा फिर चार महीने के लिए छोड़ दिया, ये नहीं। हैबिट का मतलब ये है कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि हम रीड करते ही करते हैं, हमारे दिन भर का एक पार्ट है कि हमें रीडिंग करना ही करना है। अब वो रीडिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर्स रीड कर सकते हैं, आप अपने जो आपके पास नॉवेल हो या शॉर्ट स्टोरीज हो या ड्रामा हो या आपने आपको पोएम पसंद हो, पोएट्री हो, जो भी आप रीड करेंगे उसका बेनिफिट यहां पर मिलता ही मिलता है। ऑब्वियसली मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं और मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन आपको एक आदत रीडिंग की अपने अंदर बना लेनी है। रीडिंग की आदत हर जगह काम आने वाली है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। फिर यहां पर देखिए टीजीटी में दिया है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, और यहां पर दिया है यूसेज। तो देखिए ये यूसेज किस चीज का यूसेज है, ये चीज क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है, किस चीज का यूसेज है ये चीज क्लियर नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूसेज इसी पार्ट ऑफ स्पीच का ही है, ठीक है भाई। यूसेज आप किसका करेंगे, वर्ड्स का, और किसका कर सकते हैं, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का, एडवर्ब का, कंजंक्शन का, इंटरजेक्शन का, प्रपोजिशन का, आर्टिकल का, इन्हीं का तो यूज करेंगे ना। तो यूसेज यही चीज है, पार्ट ऑफ स्पीच, ये अलग नहीं है। तो वो यहां भी है और यहां भी है, दोनों जगह कॉमन है। फिर देखिए यहां स्पेलिंग दिया है, यहां भी है, यहां भी है, स्पेलिंग टेस्ट हो गई होगा। तो स्पेलिंग टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, मैं ऐसे ज्यादातर वर्ड्स आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो पूछे जा सकते हैं स्पेलिंग के लिए। लेकिन आपको एक काम जरूर करना है कि ये जो आप रीड कर रहे हैं ना, इस रीड को फिर बिना देखे राइट करने का भी काम करिए। भाई देखिए बहुत सीधी सी बात है कि किसी क्लास में बैठकर एक स्टूडेंट टॉप करता है और उसी क्लास में बैठकर कोई दूसरा स्टूडेंट फेल भी होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा आपके रिजल्ट पर इफेक्टिव होता है, राइट। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप पर्सनल कितना एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है। टीचर तो मेहनत कर रहे हैं, आप टीचर के साथ कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है आपका। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट जो आपको करना है वो मैं बता दे रहा हूं। ये रीडिंग के साथ साथ आपको राइटिंग भी करना है। राइटिंग कैसे करना है, राइटिंग आपको किसी से डिक्टेट करा के कर लीजिए, ठीक है, आपके साथ जो पढ़ने वाले लोग हों उनके साथ, अपने फ्रेंड से, भाई बहन जो हों, ज्यादा नहीं 10 मिनट उनको बोल दी भाई 10 मिनट मेरी हेल्प कर दो, 10 मिनट आप उनसे डिक्टेट कराइए और उसको लिखिए, ठीक है ना। तो वो एक आपकी स्पेलिंग अपने आप सही होती जाएगी, और कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि आपको लिखने में कई सारे ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्रिहेंशन स्पेलिंग के पार्ट के लिए ये आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। यहां जो पढ़ाया जाएगा वो तो है ही, लेकिन एडिशनल में ये करना है। फिर बात आती है पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन भी ऐसी चीज है जो अगर आप राइटिंग करते रहेंगे, रीडिंग राइटिंग करते रहेंगे, तो पंक्चुएशन आपको आने लगेगा, आपको पता चलने लगेगा कहां पर हमें कैपिटल लेटर यूज करना है, कहां हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहां हमें कॉमा लगाना है, कहां हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, कहां हमें कोलन लगाना है, कहां सेमी कोलन लगाना है। ये आप जब रीडिंग करते रहेंगे और साथ ही साथ डिक्टेशन करते रहेंगे तो आपको ये भी प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको शुरू कर देनी है। अगर आप टीजीटी पीजीटी चाहते हैं करना तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी है, ठीक है, ये एग्जाम्स अगर आप देना चाहते हैं तो। ओके, फिर बात करते हैं हम वोकैबुलरी की। तो देखिए यहां भी वोकैबुलरी है और यहां भी वोकैबुलरी है। वर्ड पावर, ऑब्वियसली वर्ड पावर क्लास में पढ़ाया ही जाएगा, जितनी चीजें सभी पढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ये दो हैबिट कितनी फायदेमंद है ये समझिए। ये दो हैबिट इतनी फायदेमंद है कि अगर आप न्यूज़पेपर से रीड कर रहे हैं तो नया वर्ड मिलना है,
मिलना है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट नहीं है इंग्लिश में तो ऐसे वर्ड जरूर आएंगे जो आपके लिए नए होंगे, और वो नए होंगे तो आप उस वक्त डिक्शनरी जरूर देखना चाहेंगे और देखेंगे, देखना चाहिए। तुरंत डिक्शनरी में आप उस वर्ड को देखिए और उसी समय वो वर्ड आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो रीडिंग की एक ये आपको बढ़िया एक फायदा ये भी मिला, और जब उसी चीज को आप राइट भी कर लेंगे, लिख भी लेंगे, तो उसकी स्पेलिंग भी तैयार हो गई, तो वोकैबुलरी भी आपकी तैयार हो रही है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, यहां टेंस है, तो टेंस तो यहां भी है, ठीक है। टेंस तो बेस है, कहीं भी अगर लैंग्वेज पूछी जाएगी, ग्रामर पूछा जाएगा, तो उसका बेस है टेंस। बिना टेंस के तो हम लैंग्वेज को कंसिडर कर ही नहीं सकते, राइट। तो टेंस हमें यहां पर है तो हम पढ़ेंगे टेंस, ठीक है। और जब हम टेंस पढ़ लेंगे, रीडिंग हैबिट अपनी रखेंगे ही रखेंगे, टेंस के रूल्स पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब रीडिंग हैबिट में उन्हीं का प्रैक्टिकल यूज देखेंगे, तो और अच्छे से समझ में भी आएंगी चीजें और टेंस भी अच्छे से तैयार होगा। फिर इसके बाद क्या है अपना, नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, नरेशन यहां भी है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्रेपोजिशन है, यहां भी प्रेपोजिशन है, और यहां देखिए प्रेपोजिशन दिया नहीं है, पर आपको मैं बता दूं ये जो यूसेज है ना, यूसेज में प्रेपोजिशन, हालांकि इनको भी अलग से देना नहीं चाहिए प्रेपोजिशन यूसेज, क्योंकि जब इन्होंने पार्ट ऑफ स्पीच बोल दिया तो प्रेपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच से अलग तो है नहीं, तो ऑब्वियसली उसको भी हमें पढ़ना ही पढ़ना है, पर अलग से इसलिए दिया गया है क्योंकि कई बार प्रेपोजिशन के यूज से हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, तो उनको भी पूछ सकते हैं ये, इसलिए इन्होंने अलग से हाईलाइट भी कर दिया ताकि आप कहीं से भी डाउट में ना रहें, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन की, यहां ट्रांसफॉर्मेशन एंड अग्रीमेंट दिया है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है, पर यहां नहीं दिया है, पर हम पढ़ लेंगे क्योंकि यहां भी अगर आ जाए तो कर लें। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो एक चीज यहां दी गई है वो यहां नहीं दी गई है, तो बस एक ये एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली टीजीटी वाले भी पढ़ लेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इडियम फ्रेजेस वैसे भी हमें पता होना चाहिए, बेसिक चीज होती है। तो देखा जाए तो लैंग्वेज का जो सिलेबस है टीजीटी पीजीटी का वो सेम ही है, कुछ उसमें खास अंतर नहीं है, माइनर से अंतर है, ठीक है। पर देखा जाए तो ओवरऑल हमें ग्रामर को पढ़ना है, सभी चीजें पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम, अब सिलेबस डिस्कस करते हैं इंग्लिश लिटरेचर का। तो लिटरेचर का सिलेबस डिस्कस करते हैं, तो हमें पता है कि टीजीटी और पीजीटी में लिटरेचर का काफी अंतर आता है, स्पेशली पीजीटी में आपके जो वर्क हैं ऑथर्स के और ऑथर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखिए, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ये तो बिल्कुल कॉमन चीज है, आप देखिए ये बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। यहां एंड फिगर ऑफ स्पीच भी दिया हुआ है, पर आपको मैं बता दूं कि फॉर्म ऑफ लिटरेचर आप यहां पढ़ेंगे तो फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना ही पड़ेगा, वो टीजीटी में दिया हो ना दिया हो लेकिन पूछा जाता है, तो इस धोखे में मत रहिएगा कि यहां नहीं दिया है फिगर ऑफ स्पीच, यहां दिया है तो यहां वाले पढ़ेंगे, यहां वाले नहीं पढ़ेंगे, इस धोखे में नहीं रहिएगा। टीजीटी में भी लिटररी डिवाइसेस फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें इसको पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच, तो ये ऑलमोस्ट एक ही चीज है। अच्छा, एक चीज आपको सिलेबस में नहीं बताई जाती है, क्या, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ये सिलेबस में नहीं दी गई है, लेकिन कई बार देखा गया है कि इससे भी क्वेश्चंस आए हैं, तो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर यहां दिया नहीं है उन्होंने सिलेबस में, इसलिए मैंने भी नहीं लिखवाया, ठीक है। पर वो भी हमें पढ़ना है, भले ही हम उसे बहुत डिटेल में ना पढ़ें क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया है, पर जिससे क्वेश्चन बन सकता है, जिन पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन पार्ट्स को तो हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है, हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखना है। तो वो यहां लिखा नहीं है, पर मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज तो सेम हो गई, फॉर्म ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच, ठीक। फिर ऑथर्स की अगर बात किया जाए तो देखिए, टीजीटी में ज्यादा ऑथर्स और उनके वर्क है नहीं, जैसे शेक्सपियर, तो खैर बिना शेक्सपियर के लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर को कंसिडर ही नहीं किया जा सकता, तो शेक्सपियर तो आपको यहां भी मिलेंगे और यहां भी मिलेंगे, क्योंकि इनके बिना इंग्लिश लिटरेचर कंसिडर किया ही नहीं जा सकता, तो विलियम शेक्सपियर को तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए, जॉन मिल्टन है यहां पर, ठीक है, जॉन मिल्टन को हमें पढ़ना है, यहां पर जॉन मिल्टन को जरूर दिया होना चाहिए,
लेट मी सी, इन्होंने जॉन मिल्टन नहीं दिया है, पर मैं बता दूं कि पीजीटी में जॉन मिल्टन से क्वेश्चंस आएंगे, भले इन्होंने यहां नहीं दिया हुआ है, पर जॉन मिल्टन एक ऐसे पोएट हैं जिनके जिनको छोड़कर इंग्लिश लिटरेचर को कंसिडर करना बहुत खोखला लगने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनका काम जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में बोलता है। तो खैर हम इसको पढ़ेंगे तो है ही, भले यहां पर नहीं है पर पढ़ेंगे तो है ही, ठीक है। और कोई ये गलती नहीं करेगा कि अगर उसको ये लगे कि टीजीटी में ये चीज है, पीजीटी में नहीं दी है, तो हम ये वाला लेक्चर मिस कर दें, ऐसी गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि पीजीटी में जितना कुछ सिलेबस में दिया है वो तो ठोस तरह से तैयार करना है, लेकिन उसके अलावा भी जो चीजें लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं उनको तैयार करना है, ये माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ यहां दिया होगा, ये देखिए पहले नंबर पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, तो सेम है, ठीक है। जॉन गैल्सवर्दी यहां दिया, यहां शायद नहीं दिया होगा जॉन गैल्सवर्दी को, तो जॉन गैल्सवर्दी क्योंकि बहुत बाद में आए तो टीजीटी में तो पूछ लिया जाता है, पीजीटी में मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन पढ़ तो लेंगे हम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये तो इतनी बात हो गई इनकी, टीजीटी में आपको चार ही मेन ऑथर दिए गए हैं, ठीक है, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गैल्सवर्दी, राइट। लेकिन पीजीटी में हमारे पास कितने ऑथर्स हैं और उनके वर्क हैं, आपके देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, ठीक है, चार्ल्स लेम, पीबी शेली, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू अर्नॉल्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, या लॉर्ड ने लिखा हुआ है, अल्फ्रेड टेनिसन लिखा हुआ है, थॉमस हार्डी, टी एस एलियट, कमला दास, मुल्क राज आनंद, निसिम एजेकिल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट है मेरे, वॉल्ट विटमैन है ना, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर, ठीक, एंड विलियम शेक्सपियर। ऑब्वियसली शेक्सपियर के बिना तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे मेन जो ऑथर्स हैं जिनसे पूछा जाएगा वो यहां पर दे दिया गया है, मतलब इनको तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। बाकी इनके अलावा भी जैसे जॉन मिल्टन का नाम यहां नहीं दिया गया है तो इनको भी आपको पढ़ना है, ये समझ लीजिए। पीजीटी के लिए ये मत सोचिएगा कि हम किसी इंपॉर्टेंट राइटर को छोड़ दें। हाँ, अब जिनका इंग्लिश लिटरेचर में कोई खास काम ही नहीं है, वर्क ही नहीं है, उनको हम जबरदस्ती नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, पर इतनों को और इतनों को तो तैयार करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। तो मेनली क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको फॉर्म ऑफ लिटरेचर पढ़ लेनी चाहिए, फॉर्म ऑफ लिटरेचर के बाद थोड़ा सा हिस्ट्री हम पढ़ लेंगे, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, उसके बाद हम फिगर ऑफ स्पीच पर आएंगे, और फिगर ऑफ स्पीच यहां पर बहुत सारी हैं, ठीक है, जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लिटरेरी डिवाइसेस पूरे पढ़ना है हमें। तो अब देखिए, जब यहां पर ये बात आई लिटरेचर को लेकर के कि ये सिलेबस तो यहां पर मैंने डिस्कस कर दिया आपसे, लैंग्वेज का सिलेबस डिस्कस हो गया, लिटरेचर का सिलेबस डिस्कस हो गया। अब कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं टीच कैसे करूंगा, एक मेरी शैली भी तो पता होनी चाहिए ना। तो चलिए मैं आपको टीच करता हूं अभी लिटरेचर एकदम बिगिनिंग से, ठीक है। तो देखिए ये मैंने तैयार किया है, लिखा क्या है, लिखा है डिफाइनिंग लिटरेचर। अगर लिटरेचर को डिफाइन करना है तो आप इजीएस्ट वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहां मैंने जो डेफिनेशन बनाई है, ये जो लिखी हुई है यहां पर, ये मेरे हिसाब से इजीएस्ट है। और इजीएस्ट का मतलब ये नहीं कि हम चीजों को छोड़ दें, इजीएस्ट का मतलब ये है कि सभी चीजों को ले करके उसे इजीएस्ट बनाए। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, मैंने लिखा है लिटरेचर इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। अगर हम इसका ब्रॉडेस्ट सेंस ले लें, यानी किसी भी पार्ट को छोड़े नहीं, ब्रॉडेस्ट सेंस ले लें, तो लिटरेचर इज एनी रिटन वर्क। ये कोई भी रिटन वर्क है, कैसा भी रिटन वर्क हो वो लिटरेचर है ब्रॉडेस्ट सेंस में। एटिमोलॉजिकली, एटिमोलॉजी बोलते हैं वर्ड की ओरिजिन को, तो अगर हम इसकी ओरिजिन पर जाएं तो ये जो टर्म है लिटरेचर, लिटरेचर ये जो टर्म है लिटरेचर वर्ड ड्राइव फ्रॉम लैटिन लिटरेटरा या लिटेरोटरा, ठीक है। ये लैटिन वर्ड्स लिटरेटरा या लिटेरोटरा से बना हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। यानी ये जो लैटिन वर्ड्स आपने पढ़ा, क्या लिटरेटरा या लिटरेटरा, ठीक है, ये इसकी मीनिंग होती है कि
लेटर से बनी हुई राइटिंग, लेटर यानी अक्षर, एक दो तीन चार ये सब लेटर्स है ना, तो जब इसकी मीनिंग ही हुई, इसके वर्ड लिटरेचर के ओरिजिन की मीनिंग हुई हुई कि जिसमें लेटर्स यूज किया गया हो, उसे लिखा गया हो, तो लिटरेचर का ब्रॉडर सेंस क्या हो गया, कोई भी रिटन वर्क, राइट। ऑल्दो सम डेफिनेशंस इंक्लूड स्पोकन और संग टेक्स्ट, बहुत सी डेफिनेशंस ऐसी भी हैं जिसमें स्पोकन और संग टेक्स्ट भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई जिसे हमें अपने माइंड में रखना है कि लिटरेचर का ब्रॉडेस्ट सेंस ये है कि कोई भी लिखित काम, रिटन वर्क। और बहुत सी डेफिनेशंस ऐसी हैं जो स्पोकन और संग टेक्स्ट को भी इंक्लूड करती हैं। अच्छा, लिटरेचर को थोड़ा सा समझिए, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो टाइम टाइम पे लिटरेचर की डेफिनेशन चेंज हुई है, अपने अपने हिसाब से लोगों ने लिखा है और बहुत अलग अलग तरह से लिखा है, क्योंकि है ही एक वर्सटाइल टॉपिक, ठीक है। लिटरेचर को समझा जाए तो बहुत शुरू में, इन द बिगिनिंग, सबसे पहले क्या होता था कि लोग कहानियां सुनाते थे, ठीक है। जैसे दादी माँ लोग अपने अपने पोती पोतों को कहानी सुनाती थी, या बड़े लोग अपने छोटों को कहानियां सुनाते थे। तो ये जो कहानियां होती थी, उस वक्त तो इंसान, मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था ना, वो तो सिर्फ बोलना जानता था, और बोलकर ही वो कहानियां सुना रहा था। बोलते ही बोलते उन्होंने कहानियों से पोएम भी बना ली, रिदम एंड राइम रख दिया कि स्टोरीज याद हो जाएं, ठीक है ना। तो ये जो उन्होंने किया, तो सबसे पहला टास्क जो लिटरेचर में हुआ, भाई अगर वो कहानी सुना रहे हैं और पोएम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली ये भी लिटरेचर ही है ना, इसे लिटरेचर के बाहर तो कर नहीं सकते, है लिटरेचर। और ये पहला काम हुआ हमारा ओरल, स्पोकन में तो हम कहीं से भी स्पोकन को पूरी तरह से हटा नहीं सकते। फिर उसी पोएट पोएम को जो इन्होंने बनाया है, उसे इन्होंने गाना शुरू कर दिया, तो हम सिंगिंग टेक्स्ट को भी हटा नहीं सकते। तो आप देखेंगे कि सबसे जो पुरानी फॉर्म है उसमें ओरल आता है सबसे पहले, सिंगिंग भी आ जाती है, फिर जब इंसान ने लिखना पढ़ना सीखा, अच्छा लिखने पढ़ने से भी पहले उसने पता है क्या सीखा, उसने सीखा स्ट्रक्चर बनाना, इमेजेस बनाना, पिक्चर बनाना। आप देखिए बहुत पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग पत्थरों में ऐसे कटाई करके इमेजेस बना देते, तो पूरी पूरी स्टोरी उसमें चलती थी। हॉलीवुड मूवीज वगैरह में दिखाते भी हैं कि कुछ ऐसा पुरानी सभ्यता दिखा रहे हैं, तो उसमें दिखाते हैं इमेजेस बनी हुई है कि आदमी को यह भाला लेकर के खड़ा हुआ है, वो किसी एनिमल को मार रहा है, तो उसमें पूरी स्टोरी इमेजेस में होती है। तो क्या वो लिटरेचर में नहीं कंसिडर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि वो भी स्टोरी है, भले ही वो रिटन टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। फिर जब लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा, तब उन्होंने उन्हीं स्टोरीज को, उन्हीं पोएम्स को क्या किया, लिखा, और नाम दिया गया फिर लिटरेचर का। तो क्योंकि नाम दिया गया है लिखने के बाद, इसलिए हम लिटरेचर में ब्रॉडर सेंस में रिटन वर्क को कहेंगे, लेकिन है लिटरेचर बहुत पहले से, इसलिए हम स्पोकन और संग टेक्स्ट को भी पूरी तरह से डिनाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेफिनेशन जो मैंने आपको दी, उसमें मैंने बता दिया कि ब्रॉडेस्ट सेंस में आपको यह याद रखना है कि कोई भी रिटन वर्क लिटरेचर है, पर आप स्पोकन और संग टेक्स्ट को भी डिनाय नहीं कर सकते, राइट। तो ये बात आपकी लिटरेचर को लेकर के हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको लिटरेचर के फॉर्म्स पता होना चाहिए, इन्हें जेनरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनरा। अच्छा, बहुत से लोग इसे प्रोनाउंस ही रॉन्ग करते हैं, मैंने किसी को सुना था वो कह रहे थे जेनर और जेनरी ऐसा कुछ, पर इसे प्रोनाउंस किया जाता है जेनरा, राइट। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कह लीजिए या जेनरा कह लीजिए, जेनरा को हम हिंदी में कह सकते हैं शैली। वैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मुझे हिंदी नहीं यूज करनी चाहिए, पर मैं आपकी ईज के लिए कुछ वर्ड्स हैं जिनको समझाने के लिए बीच में हिंदी भी यूज कर लूंगा, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो गोल है, एम है, कि हर एक पार्ट समझ में अच्छे से आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो जनरा की बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की। तो बेसिकली हमारे पास लिटरेचर तीन ही फॉर्म्स में होती है,
पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, ठीक है, बेसिकली तीन फॉर्म में होती है। कई बार आपको चार फॉर्म्स बताई जाती है, तो जो चार फॉर्म्स बताई जाती है उसमें प्रोज के ही दो और फॉर्म्स हो जाती हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन, ठीक है। तो क्योंकि फिक्शन और नॉन फिक्शन ये दोनों ही प्रोज के ही पार्ट हैं, प्रोज का ही कह लीजिए जेनरा है, तो आपको ये समझ के चलना है कि मेनली तीन है, लेकिन इसको चार भी बनाया जा सकता है। अगर मैं प्रोज ना लिख करके फिक्शन नॉन फिक्शन लिखूं तो हो जाएगा पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, चार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनको अगर मैं जोड़ दूं तो प्रोज एक हो जाएगा ये, ठीक। तो तीन हमारे पास मेन फॉर्म्स हैं लिटरेचर की, ठीक है, तीन जेनरास हैं, राइट, तीन शैलियां हैं, जेनरास मतलब शैलियां, ठीक। तो पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा, अब इनको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोएट्री की, ठीक है। डेफिनेशन मैंने कोशिश की है कि इजिएस्ट वर्ड में हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए क्या लिखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को समझते हुए चलिएगा। पोएट्री यूजेस मेट्रिकल लैंग्वेज, पहली बात, मेट्रिकल, मेट्रिकल मतलब क्या हुआ, जिसमें मीटर हो, मीटर हो मतलब वर्स हो, है ना। अब मीटर को बहुत अच्छे से आप समझेंगे आगे जब मैं आपको राइम स्कीम वगैरह और सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तो जिसमें वर्स हो, वर्सेस में हो, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, विद लॉट्स ऑफ रिदम, इसमें रिदम होनी चाहिए, यानी एक फ्लो के साथ ये बहती जाती है, एक लय होती है ना, एक ताल होती है, रिदम, राइट। तो रिदम होनी चाहिए और राइम होनी चाहिए, यानी वर्ड्स जो हैं, आप कभी देखिए पोएम में क्या होता है कि पहली और तीसरी लाइन के वर्ड का साउंड ऑलमोस्ट सेम हो जाता है ना, इस तरह से करके, तो राइम होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेट्रिकल लैंग्वेज में होती है पोएट्री, और बहुत सारी रिदम होती है, राइम होती है, टू क्रिएट वर्ड पिक्चर, और ये बनाई इसलिए जाती है कि शब्दों से एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, एक इमेज क्रिएट हो जाए, यानी पोएम जब आप पढ़ें तो आपके सामने कुछ आए, ठीक है ना, वर्ड से ही ये पोएम है, ठीक। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, पोएट्री इंप्लॉयज ऑल काइंड्स ऑफ वर्ड प्ले, हर तरह का वर्ड प्ले होता है, यानी शब्दों का खेल होता है, पोएम का मतलब ही यही है कि शब्दों से खेलना। जितना अच्छा कोई पोएट शब्दों से खेल लेगा उतनी अच्छी पोएम वो कंपोज कर लेगा, ठीक है ना। तो शब्दों का खेल ही है पोएट्री, ऑल इन ऑल अगर समझा जाए तो। फिगरेटिव लैंग्वेज, यानी सजावटी, बनावटी लैंग्वेज, एंड इमेजरी टू सेंड इट्स मैसेजेस, और इमेजरी कि जो आपको इमेजिन करने पर मजबूर कर दे, जो राइटर ने, कंपोजर ने, यानी पोएट ने, पोएट ने जो इमेज अपने माइंड में सेट किया है, इमेजिन जो किया है, ठीक है, उसको उसने अपने वर्ड से इस तरह से उतारा कि जो चीज वो इमेजिन कर पाया वो रीडर को भी इमेजिन करवा दे, भले ही पूरी तरह से नहीं लेकिन काफी हद तक, ठीक है। तो अपना मैसेज भेजने के लिए ये क्या यूज करती है, सजावटी बनावटी भाषा और इमेजरी लैंग्वेज, जिससे कि ये मैसेज रीडर तक पहुंचता है। विच आर ऑफन रादर ऑब्स्क्योर, और ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये जो मैसेजेस होते हैं ये रादर ऑब्स्क्योर होते हैं, यानी क्लियर नहीं होते, स्पष्ट नहीं होते, अस्पष्ट होते हैं। ऑब्स्क्योर मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, जो साफ ना हो, ठीक है। तो ये मैसेजेस ज्यादातर साफ नहीं होते हैं। पोएम जब भी देखिए, अच्छी पोएम ही वही है जिसका मैसेज बिल्कुल साफ ना हो, एकदम ग्रामेटिकल सेंटेंसेस नहीं होते हैं कि हर एक सेंटेंस एकदम सेट हो, एकदम साफ मैसेज हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि आई नीड टू बी डग आउट विथ सम एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर, और इसमें जरूरत होती है, क्लियर नहीं होता, जरूरत होती है कि जो रीडर है उसकी तरफ से कुछ एफर्ट डाला जाए और उसकी मीनिंग को निकाला जाए। तो हमें पता है कि पोएम में कई बार ऐसा होता है कि एक एक लाइन की कई कई मीनिंग्स निकलती हैं, तो ये रीडर पर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा मीनिंग को डग आउट कर लेता है, ठीक है ना, डिग आउट कर लेता है। तो ये आपको पोएम के बारे में समझना है। तो सबसे मेन बात क्या है पोएम की, पोएम की सबसे मेन बात ये है कि मेट्रिकल लैंग्वेज यूज करते हैं, रिदम होता है, राइम होता है, ठीक है ना, और
हर तरह का वर्ड प्ले होता है, फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, इमेजरी होती है, मैसेज ये जो रहता है वो क्लियर नहीं होता, रीडर को अपने एफर्ट से निकालना पड़ता है। तो ये पोएम हो गई, ठीक है। अब पोएम के बहुत सारे आपको अभी आगे पढ़ने पड़ेंगे सब जनरास, जैसे कि लिरिक है, बैलेड है, सोनेट है, इपिक है, एलेजी है ना, तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें एक दिन में नहीं। अभी तो समझ लें कि पोएट्री क्या है, प्रोज क्या है, ठीक है, इनको समझ लें फिर आगे। अब बात करते हैं प्रोज की। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रोज पोएट्री का बिल्कुल ऑपोजिट है। पोएट्री में मीटर होता है, इसमें मीटर नहीं होता, ठीक है। पोएट्री में फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, इसमें कोई फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं होती। पोएट्री में सेंस को निकालना पड़ता है खोद कर, इसमें निकालने की जरूरत नहीं होती, साफ साफ लिखा होता है। पोएट्री में ग्रामेटिकल सेंटेंसेस कहीं नहीं देखे जाते, वो बस आ जाते हैं, हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखिए आसान सी जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या लिखी है, प्रोज इज अ फॉर्म और टेक्निक ऑफ लैंग्वेज दैट एग्जिबिट्स अ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। यानी प्रोज में क्या है, ऐसी टेक्निक होती है लैंग्वेज की जो दिखाती है क्या, एक नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, यानी जो बात हो रही है वो चलती चली जा रही है। जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, अगर इन्हीं बातों को आप लिख लीजिए कहीं, मेरा एक एक वर्ड, तो ये क्या बनेगा, ये पोएट्री बनेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो प्रोज बनेगा, क्योंकि मैं एकदम नेचुरल फ्लो में बोलता जा रहा हूं ना। तो ये नेचुरल फ्लो में मैं कुछ बता रहा हूं, समझा रहा हूं, या मान ली कोई घटना दुर्घटना बता रहा हूं, कुछ भी ऐसा जो नेचुरल फ्लो में जाए, नेचुरल स्पीच जो हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो प्रोज है। एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, एंड ऑब्वियसली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी जरूरी है। हालांकि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं होगा तो भी प्रोज कहलाएगा, पर अच्छे प्रोज के लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जरूरी है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि रिदम के लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की जो है ऐसी की तैसी कर दी, जो कि पोएम में होता है, राइट, तो इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, नॉवेल्स, टेक्स्ट बुक्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ प्रोज। तो आप नॉवेल्स जैसे पढ़ते हैं या टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो आपको पता है एकदम नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच होता है उसमें, तो ये सब प्रोज है। हालांकि इसके भी बहुत सारे सब जनरास हैं, जैसे कि हैं, तो मैं पढ़ाऊंगा भी, ऐसे बता दे रहा हूँ, जैसे नॉवेल है, नॉवलेट है, नॉवेला है, अब ये नॉवेला नॉवलेट क्या ये बताया जाएगा बाद में, शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये इसके सब जनरास है, ठीक है, तो पढ़ाया जाएगा डिटेल में, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बात आई थिंक क्लियर है कि प्रोज क्या है। प्रोज में जब आप प्रोज पढ़ेंगे तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि दो चीजें होती हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन, लंबी चौड़ी डेफिनेशंस होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। आपको अगर समझ में आ गया एक बार कि क्या होता है तो आप इससे रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन आ गया कर लेंगे। तो मैंने एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है, और मैंने क्या लिखा है, फिक्शन में वो स्टोरीज या नॉवेल्स आदि होती हैं एटसेट्रा होती हैं विच डिस्क्राइब इवेंट्स एंड पीपल, जो ऐसे इवेंट्स और ऐसे पीपल को डिस्क्राइब करती है दैट आर नॉट रियल। फिक्शन का मतलब ही होता है जो रियल ना हो, उसको बनाया गया हो, उसको अपने माइंड से रचा गया हो, दैट इज फिक्शन, राइट। तो रियल पीपल नहीं होते इसमें, जैसे फिक्शन में हम लोग बचपन से देखिए फैरी टेल्स सुनते आ रहे हैं ना, परियों की कहानी, भूत प्रेत की कहानी, और एनिमल्स की ऐसी ऐसी कहानी जिसमें एनिमल्स पूरा बोलते हैं, उनका एक अपना लाइफस्टाइल होता है ह्यूमन बीइंग की तरह। तो ये सब क्या है, ये सब फिक्शन है, फिक्शन है, ठीक है। इवन अगर हम फिक्शन के मॉडल फॉर्म को देखें तो जो आजकल एनिमेटेड मूवीज बन रही हैं, आप देखते होंगे एनिमेटेड मूवीज में, जैसे कि एवेंजर्स वगैरह मूवीज हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स बुलाते हैं जो रियल में नहीं हो सकते, सुपर हीरोज टाइप या सुपर विलन टाइप, तो वो रियल में नहीं होते हैं, है ना, तो वो फिक्शन ही है, वो फिक्शन ही है, ठीक है, वो बनावटी कहानियां हैं, ठीक है। तो या बहुत सारे ऐसे भी कार्टून मूवीज हम लोग देखते हैं जिसमें एनिमल्स अपना एकदम ह्यूमन बींग की तरह जी रहे हैं, उनकी अपनी स्पीचेस हैं, उनके अपने
उनके कपड़े वगैरह भी होते हैं इवन, तो ये सब फिक्शन है। तो जितनी भी बनावटी चीजें जो रियल नहीं है वो सब फिक्शन में आएगी प्रोज के, और जो रियल है वो नॉन फिक्शन में आएगी, वो बनावटी। आप फिक्शन का सेंस बनावटी से समझ लीजिए, ठीक है। तो जो बनावटी है ऑब्वियसली रियल नहीं है, और जो बनावटी नहीं है ऑब्वियसली रियल है। तो क्या कह सकते हैं, राइटिंग दैट इज अबाउट रियल पीपल इवेंट्स एंड फैक्ट्स, जो रियल लोगों के लिए, रियल लोगों के बारे में राइटिंग होती है, रियल इवेंट्स के बारे में होती है, फैक्ट्स के बारे में होती है, वो सब नॉन फिक्शन है। एग्जाम्पल से समझिए, तो फिक्शन में जैसे मैंने बताया ना, फेरी टेल्स वगैरह है, नॉवेल्स वगैरह है, स्टोरीज वगैरह है, ठीक है, ये सब फिक्शन है। और नॉन फिक्शन में जैसे बायोग्राफी हो गई, ये सब इसके सब जनराज हैं, ठीक है। बायोग्राफी है, और आप कह लीजिए ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी मतलब आत्मकथा, सॉरी बायोग्राफी मतलब जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, ठीक है, आत्मजीवनी, आत्मकथा, राइट। तो ये सब आपकी नॉन फिक्शन में, या न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, ठीक है, या फिर एसे आपने लिखा, तो ये सब नॉन फिक्शन है, रियलिटी पर बेसिस, ठीक। तो ये प्रोज में फिक्शन नॉन फिक्शन, आई होप समझ में आ गया होगा, इसके भी सब जनराज हैं, हम आगे पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं ड्रामा की। तो ड्रामा को अगर देखा जाए ब्रॉड टर्म में, टर्म अगर हम पकड़ते हैं, तो ड्रामा भी कहीं ना कहीं ब्रॉडेस्ट टर्म में अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका प्रोज कहीं फिक्शन या नॉन फिक्शन पार्ट में आएगा, कहीं ना कहीं, लेकिन हम रखते नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो डिफरेंट अगर हो जाता है तो इसको समझिए कि इसमें क्या डिफरेंट होता है। देखिए, कह रहे हैं ड्रामा कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ प्रोज एंड पोएट्री। सबसे पहली बात कि ड्रामा प्रोज और पोएट्री दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करता है। अगर आपने कोई ड्रामा पढ़ा है, ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा, तभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ड्रामा में कई जगह पोएम भी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आप देखेंगे कि बीच में एक पोएम भी है, मर्सी, जो कि बहुत ही पॉपुलर पोएम है, ठीक है। तो ऐसे भी होता है कि बीच में पोएम आ जाए, या कई बार ऐसा होता है कि डायलॉग पोएटिक वे में लिखे गए हों, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ड्रामा ऐसी चीज है जो प्रोज और पोएट्री के एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनती है इनटू प्लेज, और प्ले उस पे बनाया जाता है। यानी ड्रामा लिखने का मोटिव ही ये होता है कि उसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाए, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ही ड्रामा लिखा जाता है, ठीक है, कि वो जो लिखा गया है उसे परफॉर्म होना है। तो देखिए आगे लिखा है, दैट आर यूजुअली इंटेंडेड टू बी परफॉर्म ऑन स्टेज, जिसकी इंटेंशन ही यूजुअली ये होती है कि उसे स्टेज पर परफॉर्म किया जाए। लेकिन लिखा इसलिए जाता है, लिखने का मकसद क्या है, कि उसे पढ़ा भी जा सके। तो मेन पर्पस जो होता है वो उसको लिखा इसलिए जाता है, इस तरह से जाता है कि स्टेज पर परफॉर्म किया जाए। लेकिन क्यों कि लिखा गया है तो उसका एक सेकेंडरी पर्पस ये भी है कि उसको पढ़ा जाए, ठीक है। ड्रामा जॉइंस मोनोलॉग्स, ड्रामा में मोनोलॉग्स होते हैं। मोनोलॉग मतलब जो एक अकेला आदमी अपने आप में ही लंबी सी स्पीच बोल रहा है, दैट इज अ मोनोलॉग, ठीक है। डायलॉग्स होते हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रामा में ये होता है, जबकि प्रोज में आप देखेंगे उसमें डायलॉग वगैरह नहीं, उसमें एक ही आदमी पूरी स्टोरी को, इवेंट को नरेट कर रहा होता है, ठीक है। पर यहां क्या होता है, मोनोलॉग भी होता है, डायलॉग भी होता है, कैरेक्टर्स जिसको बोलते हैं, स्टेज डायरेक्शंस भी होता है उसमें, कि कैसे कहां पर कौन खड़ा होगा, कैसे बोलेगा। ड्रामा में लिखा भी रहता है, कर्टेन ओपन्स, है ना, या पूरा बताते हैं बैकग्राउंड की कहां पर है, जैसे स्ट्रीट इन वेनिस, ऐसा करके पूरा बताया जाता है ना। तो ये स्टेज डायरेक्शन हो गया। एंड ओकेजनली नरेटिव सेक्शंस, नरेटिव सेक्शंस भी होते हैं, बैकग्राउंड से कोई बताता रहता है। अच्छा, ड्रामा की अगर आपको मॉडर्न फॉर्म देखना है तो आप समझ लीजिए, जो मूवीज हम लोग देखते हैं, मूवीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमेटेड मूवीज एंड ऑल, जो मूवीज हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं क्या कि कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं, वो एक्ट कर रहे होते हैं, वो डायलॉग बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं, उनको ऑब्वियसली एक डायरेक्टर पीछे से डायरेक्शन देता रहता है। वहां स्टेज नहीं होती, वहां पर कई जगह शूटिंग होती है,
पर ड्रामा में क्या होता है, एक ही स्टेज पर करते रहते वो, तो मॉडर्न फॉर्म मूवीज है हमारी ड्रामा की, ठीक है। तो जो जो मूवीज में आप देखते हैं वही सब यहां भी होता है, पर ये है कि मूवी आप डायरेक्ट सामने से नहीं देखते हैं, आप किसी स्क्रीन पर देखते हैं, पर ड्रामा को लोग सामने से बैठकर देखते थे, ठीक है। दैट एक्सप्लेन द एक्शन, और जो नैरेटिव सेक्शन होते हैं वो एक्शन एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हुआ, एंड जैसे ड्रामा में लिखते हैं एंटर बसेनियो, एंटर कैशियस, ठीक है, इस तरह से। फिर लाइक पोएट्री ड्रामा कैन फीचर हिडन मीनिंग, पोएट्री की तरह ड्रामा में भी हिडन मीनिंग्स हो सकती है, मैसेजेस हो सकते हैं, दैट टेक सम वर्क टू डेसिफर, कि उसमें थोड़ा काम लगे कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सके, पर पोएम में थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, जो रीडर होता है उसको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है पोएम के सही सेंस को समझने के लिए, जबकि ड्रामा में इतना एफर्ट नहीं होता, पर होता है कि आप उसके सेंस को निकाल पाए। तो ये आपका हो गया क्या, थर्ड फॉर्म ड्रामा, ठीक है। तो ये तीन आपकी जो फॉर्म्स है लिटरेचर की, इन तीनों फॉर्म्स को हमें डेप्थ में भी पढ़ना होगा। अभी तो हमने ये तीन फॉर्म्स को अच्छे से समझ लिया, फिर इनके सब जनरास को पढ़ना होगा, समझना होगा, एंड ऑब्वियसली हम किसी भी एक भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आपको ये माइंड सेट करके चलना है कि क्लासेस बिल्कुल बिगिनिंग से एंड तक एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए देखना है, और साथ ही साथ आपको जो PDF यहां से प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी ये जो मैंने बनाया है, ऑब्वियसली ये समझाने के लिए तो बहुत आसान लैंग्वेज में समझा दिया है, फिर PDF जो बनाऊंगा उसमें हो सकता है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो जहां जरूरत है, ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उनको भी आपको देखना है। तो वीडियो देखने के बाद, लेक्चर देखने के बाद, जब आप PDF में सेल्फ स्टडी करेंगे तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हो सकता है सिर्फ PDF से पढ़ें तो आप उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और माइंड में सेट नहीं हो पाएगी, या सिर्फ वीडियो देखें तो हो सकता है बाद में आपके माइंड से निकल जाए, तो आपको सारी तैयारी करना है। और जो मैंने बिगिनिंग में आपसे कहा था वो ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि रीडिंग एंड राइटिंग वर्क एक हैबिट में रखना है, कि ये हैबिट होनी चाहिए कि मुझे 15 मिनट 20 मिनट रीडिंग करना ही करना है, 10 मिनट 15 मिनट राइटिंग करना ही करना है, ठीक है। तो लिटरेचर का ये पार्ट था, लैंग्वेज के पार्ट को लेकर भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।